Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7. Today is Friday, 10 July 2020. Now class, I have discussed different types of phrases in my last lecture. Today I am discussing prepositional phrase. First, you have to understand prepositions. What are prepositions? Prepositions are the words that are used to define or to describe the position of a noun. Preposition वो words होते हैं जो कि किसी भी noun की position बताते हैं कि वो noun किस जगह पर, कहाँ पर और किस हालत में है. Prepositional phrase, a prepositional phrase does the work of a preposition and usually ends with a simple preposition. For example, he worked hard for the sake of a prize. प्रीपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज है जिसमें प्रीपोजिशंस मौजूद हो और इसके बाद वो एक जुमले के एंड से पहले भी एक सिंपल प्रीपोजिशन मौजूद हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्क हार्ड फॉर द सेक ऑफ अ प्राइस. इन दिस सेंटेंस फॉर एंड ऑफ बोथ आर द प्रीपोजिशंस. अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन आर on, at, near, under, below, above, around, through, among, between, behind, in front of, across, up, down, into, out of, towards. These are all prepositions. Okay, now prepositional phrase add descriptive detail to a sentence. प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो किसी भी सेंटेंस में डिटेल के लिए, यानी कि उसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है. आ प्रीपोजिशन इज़ यूजुअली फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन. एक प्रीपोजिशन जो है वो या तो नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है, विच इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है. द प्रीपोजिशन टुगेदर विद द ऑब्जेक्ट एंड इज इट्स मॉडिफायर इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशनल फ्रेज. एक प्रीपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ और इसके मॉडिफायर के साथ मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है. मॉडिफायर, व्हाट आर मॉडिफायर? मॉडिफायर्स आर द वर्ड्स दैट गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर द नाउन और इट डिस्क्राइब्स द नाउन. मॉडिफायर्स वो वर्ड होते हैं जो कि किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या फिर उसके नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं. एग्जाम्पल, द टू मैन डांस लाइक प्लेफुल चिल्ड्रन. इन दिस सेंटेंस लाइक इज़ द प्रीपोजिशन, प्लेफुल इज़ द मॉडिफायर, चिल्ड्रन इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीपोजिशन. लाइक प्लेफुल चिल्ड्रन इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज. नाउ अदर डिटेल अबाउट प्रीपोजिशनल फ्रेज इज़, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज में कंटेन मोर देन वन ऑब्जेक्ट. एक प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. ही लुक्ड अंडर द टेबल एंड द चेयर. द टेबल एंड द चेयर बोथ आर ऑब्जेक्टिव्स. नाउ सेकेंड डिटेल, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अनदर वर्ड. एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो रिलेशनशिप बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट या दूसरे वर्ड के अंदर. इट शोज लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर वास इज ऑन द टेबल. ऑन इज प्रीपोजिशन, द टेबल इज ऑब्जेक्ट. द प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑन द टेबल एड्स डिस्क्रिप्टिव डिटेल टू द सेंटेंस. इट शोज वेयर द फ्लावर वास इज कैप्ट. नाउ सेकेंड, इट शोज टाइम. एग्जाम्पल, ही क्लीन द कार आफ्टर द जर्नी. द प्रीपोजिशनल फ्रेज आफ्टर द जर्नी शोज व्हेन ही क्लीन द कार. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी ऑन पेज नंबर 4. चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. नंबर 1, एन ओल्ड मैन वॉज सिटिंग. An old man was sitting beneath the banyan tree. His pet dog was sleeping. His pet dog was sleeping outside his house. By dash, everyone had arrived.
By 6 o'clock, everyone had arrived. This is strictly between you and me. There is a lot of unrest among the employees. There was a trace of sadness. Amidst all the rejoicing, there was a trace of sadness. 7. Confusion prevailed within the classroom. 8. Dash lies the wasteland. Beyond the river lies the wasteland. 9. A stretch of turf could be seen. A stretch of turf could be seen around the house. Now, students, you have to do this exercise in your notebook. Okay, till then, next lecture, Allah.